शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखा शिवांश, दीदी का कैसा मुंह बन गया था। हमको तो बड़ा मजा आ रहा था। वैसे तुमने जो भी फैसला लिया ना, बहुत सही लिया। क्या होगा ये सब फालतू की कैंटीन की नौकरी करके। तुम यहाँ रुको, हम पैसे लेके आते। बेटी, हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते। हम जो करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे। मतलब क्या तुमने सिर्फ दीदी को चलाने के लिए ये सब। हम समझ गए, तुम नौकरी करोगे वो भी दीदी के लिए, और नौकरी छोड़ोगे वो भी दीदी को चलाने के लिए। बहुत बढ़िया, हम तो कुछ है ही नहीं, है ना। हमसे पैसे भी नहीं लोगे और ये नौकरी जो कर रहे थे वो भी छोड़ के बैठ गए। अब ये शादी तो सिर्फ नाम की है। रात को हमारे बीच तकिया रहता है और दिन में साक्षात दीदी। अब कोई है ही नहीं, मजाक बन के रह गए हम। हम ही पागल हैं जो पहले दिन से तुम्हारे लिए पागल हो गए थे, तुम्हें पाने के लिए पागल हो गए थे। हमेशा यही सोचे कि तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। पर शिवांश, उसके लिए एक मौका तो दो हमें, एक मौका। बेटी, हमने कहा ना तुमसे कि हमें वक्त चाहिए। और कितना वक्त शिवांश? पता नहीं, लेकिन अभी हमको वक्त लगेगा। शिवांश, जितना चाहे तुम हमसे मुंह फेर लो, पर हम तुम्हें हमारा बना के ही छोड़ेंगे। तुम हमारे हो और हमारे ही रहोगे। वो हमारे आंख में कुछ चला गया। चलो ना, क्या हुआ, चलो। शनि भाई, हम तुमसे पूछना चाहते हैं। क्या हुआ, किसके लिए रो रही हो? शिवांश के लिए? शनि, अब तुम मां बनने वाली, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए माहौल ठीक नहीं है। शिवांश शादी कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। तुम भी आगे बढ़ो लाइफ में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यहाँ ये सब क्या कर रही हो? भाई, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि हम ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। श्रवणी, प्यार में झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुक जाओ कि खुद को गिरा दो। तुम ठीक कह रहे हो रोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें आगे बढ़ना होगा ताकि हम डॉक्टर बनकर अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सके। समझ गए तुम्हारी बात। थैंक यू रोहन। यू आर वेलकम। चले। हाँ, मतलब कि पैसे मिलेगा? हाँ मम्मी, वो कह रहा था कि वो जो कुछ भी करेगा अपने बलबूते पर करेगा। उसने कहा तुम मान गई तो और क्या करते। हमें हर बात पे कहाँ तक लड़ें। और वैसे भी ठीक ही है ना, वो खुददार है। खुददार नहीं है, चालाक है। वो चाहता नहीं है कि कल को तुम उसके पैसे पे हक जमाओ, समझी बेवकूफ लड़की। कुछ पैसे ले लेते, कुछ लाख ले लेते तो जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहता।
ऐसे मौके होते हैं जब मर्दों को अपने बुद्धि में करना होता है, और तुम उसकी बातों में आ गई। कल को अमीर होगा ना, तुमको एक मिनट में छोड़ेगा और लात मार के श्रवणी के पास निकल जाएगा, समझी तुम? है? ऐसा हो सकता है क्या मम्मी? हाँ हो सकता है, भूल गई, श्रवणी के पास उसका बच्चा है। ये जो बच्चे होते हैं ना, एक मिनट में पासा पलट के रख देते हैं। तो अब क्या करें मम्मी, बताइए ना क्या करें? तुम्हें शिवांश के साथ अपना रिश्ता पक्का करना है ना? हाँ हाँ मम्मी, हम चाहते उसके साथ रिश्ता पक्का, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम शिवांश को नहीं छोड़ सकते मम्मी, क्या करें बताओ? तो फिर तुम भी बच्चा कर लो। हाँ कैसी बातें कर रही है आप, हम और बच्चा ये नहीं हो सकता। तुम पागल वागल हो का? बच्चा बहुत बड़ी ताकत होती है स्वीटी, टूटी हुई शादियां बचा लेता है बच्चा। एक बार शिवांश के बच्चे की माँ बन गई ना, तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा तुमको, याद रखना। क्या करें मम्मी फिर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझी? मम्मी कितनी अच्छी हो। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। चल नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं। अब देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें हमसे। अब तो तुम हमारे बन के ही रहोगे। चल जाए, तैयार है। लीजिए चाय। तुम्हारा मन नहीं है? अरे पियो ना, बहुत अच्छी बनी है, अदरक वाली चाय। बेटी हमने कहा ना हमारा मन नहीं है पीने का, खास आपके लिए बनाई है, पी लीजिए ना, पीके तो देखिए। शिवांश कहाँ जा रहे हो? हम आते हैं अभी। शिवांश तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो हमारे साथ। स्वेटी हमने कहा ना हम आते हैं अभी, बहुत जरूरी बात करनी है, चलो ना। फिर जहाँ जाना है चली जाना। चलो शिवांश, चलो ना शिवांश। स्वेटी हम कह रहे हैं तुमसे, हमारे साथ जरूरी बात करनी है। अरे बोलो ना क्या बात है, चलो ना। क्या बात कर रही है जो तुम हमको यहाँ लेके आ गई? आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।